कुछ कुछ चीज़ें मतलब थोड़ी सी अजीब लगी मेरे को, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी है तो एक भी जगह मैंने गणेश जी की मूर्ति को मतलब वो नहीं देखा है, ना पंडाल देखा है, ना ऐसे मूर्ति बैठा। विश्वनाथ से लगा हुआ एक मस्जिद भी है। बेसिकली मम्मी के लिए मैं साड़ी देखने के लिए आया हूँ, बनारसी साड़ी, और यहाँ पर कल तो निकलना है हम लोगों को प्रयागराज। अब तो हे गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम बनारस में थे और हमने बहुत सारी एक्टिविटी की थी, हर चीज़ को इंक्लूड किया था, जिसमें हम गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, लोकल हम बनारस की गलियों में घूमे, लोकल फूड ट्राई किया। लेकिन आज की वीडियो में हम इसे और आगे बढ़कर लोकल मार्केट कपड़े की, जो कि आप जान रहे हो बनारसी बहुत फेमस है, वो देखेंगे। मार्केट जाने से पहले हमने डिसाइड किया कि कुछ खाते हुए चलते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और हमें तो खासकर वेज खाना था। बस दिख रहा है ना? टॉपियो। भाई ये शहर जितना दिखने में शानदार है उससे ज़्यादा इसके खाने शानदार हैं, और अब बारी थी हमें मार्केट जाने की। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं कपड़ा देखने के लिए। बेसिकली मम्मी के लिए मैं साड़ी देखने के लिए आया हूँ, बनारसी साड़ी, और यहाँ पास फैक्ट्री है तो देखते हैं कैसा रहेगा। तो हमें इस फैक्ट्री के बारे में बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं था। इस फैक्ट्री का आइडिया हमें हमारे ऑटो ड्राइवर ने दिया था। उन्होंने बताया कि लोकल ये फैक्ट्री है जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे साड़ियाँ बनाती है, और हम में से किसी ने भी आज तक साड़ी बनते हुए अपने आँखों से नहीं देखा था। यहाँ पर दो टाइप की साड़ियाँ थी, एक तो हैंडमेड बन रही थी और दूसरी बन रही थी मशीन से। मशीन से भाई एक साथ इतने सारे डिज़ाइंस बन रहे थे कि मैं तो देख के ही पागल हो गया था, और जो कि हैंडमेड बन रही थी वो तो शानदार से भी ज़्यादा शानदार दिख रही थी। फैक्ट्री से लगा हुआ ही इनका शॉप था जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे साड़ी के लिए, तो मैं भी ढूंढने लगा अपनी मम्मी के लिए साड़ी। तो सच बताऊँ तो मैं तो भाई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कौन सी साड़ी लूँ मम्मी के लिए, इतने सारे ऑप्शंस थे और मेरा तो लगभग सभी में ही मन था। लेकिन ये एक पिंक वाली और ऐसे ही सेम वर्क में ये दूसरी वाली साड़ी मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन लास्ट में मैंने फाइनल इसी साड़ी को किया क्योंकि पापा ने बोला मुझे। तो शॉपिंग करके हम आ चुके थे अब BHU यूनिवर्सिटी में, जिसका कैंपस भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और यहाँ पर एक और मंदिर था काशी विश्वनाथ जी का। तो गाइस फ़िलहाल हम लोग हैं अभी BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और अभी कुछ कुछ बुक्स ले रहे हैं एंड फिर अभी इधर अंदर मंदिर है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है BHU के अंदर मंदिर और यहाँ जाएंगे अभी, फ़िलहाल तो बुक ले रहे थे कुछ कुछ। तो गाइस मंदिर के गार्डन में ही यहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा ही सारे स्केचेस के ऑप्शन थे। यहाँ पर ये लाइव भी बना रहे थे और ये पहले से बने हुए रखे हुए भी थे, जो कि इतने शानदार दिख रहे थे कि क्या ही बताऊँ आपको। ये वाला मणिकर्णिका घाट है क्या? मणिकर्णिका घाट है। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग ये मंदिर भी घूम लिए, अब हो सकता है तो थोड़ा सा बुक और देखेंगे। कुछ कुछ बुक्स लिए छोटे छोटे और कुछ कुछ नॉवेल ले लेंगे, क्योंकि आप लोग को तो पता है रीडिंग का कितना शौक़ है। फिलहाल ये है गार्डन, कुछ यहाँ का काफ़ी क्लीन है, साफ़ है, अच्छा है, और कल तो निकलना है हम लोगों को प्रयागराज। अब
पता नहीं सुबह 8 बजे के आसपास निकल जाएंगे, और कल के लिए मेरा वीडियो भी एडिट नहीं हुआ है, तो वो सबसे बड़ी दुख की बात है। लेकिन भाई वाराणसी का बात ही अलग है भाई, मतलब बहुत शानदार है। कुछ कुछ चीज़ें मतलब थोड़ी सी अजीब लगी मेरे को, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी है, तो एक भी जगह मैंने गणेश जी की मूर्ति को मतलब वो नहीं देखा है, ना पंडाल देखा है, ना ऐसे मूर्ति बैठा हुआ, ना कहीं मूर्ति बिकता हुआ, मतलब थोड़ा स्ट्रेंज फील हुआ ये बात। और काशी विश्वनाथ की बात करूँ तो मेरे को पता नहीं था कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक मस्जिद भी है, तो ये कुछ चीज़ें जो मेरे को काफ़ी अजीब लगी। अब इसका रीज़न तो नहीं पता, लेकिन हाँ अजीब था। तो हमने BHU में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था, लेकिन अब समय आ गया था कि हम वापस जाएं घाट की ओर, अस्सी घाट की ओर, क्योंकि आज सुबह हम आरती पूरी तरीके से अटेंड नहीं कर पाए थे, तो हम चाह रहे थे कि इस बार शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अटेंड करें। हम जब से वाराणसी पहुंचे थे तब से अब तक हमने लगभग 3 बार गंगा आरती को देखा, लेकिन उन 3 में से सिर्फ एक ही बार था जिसमें हमने पूरी तरीके से शुरू से आखिरी तक पूरा गंगा आरती देखा। तो गाइस वाराणसी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हालांकि यहाँ पर बारिश होने की संभावना बताई गई थी, लेकिन हमने सोचा कि कुछ स्ट्रीट फूड का मज़ा ही क्यों ना ले लिया जाए, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था प्रयागराज के लिए, तो हमें घर जल्दी पहुंचना और जल्दी निकलना ज़रूरी था। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।